इंदौर में पकड़ाया ऑनलाइन ठगी का सबसे बड़ा कारोबार। जी हां, 10 लाख अमेरिकियों का डाटा चुराने वाला कॉल सेंटर इंदौर में पकड़ा गया। 2.5 लाख अमेरिकियों ने डरकर इस कॉल सेंटर के सरगना को पैसे भी दे दिए। इंदौर में हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉल सेंटर का भंडाफोड़। जी हां, किस तरह से इंदौर आर्थिक अपराधियों का, साइबर अपराधियों का केंद्र बनता जा रहा है, इसका एक सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। इंदौर में चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल द्वारा की गई कार्रवाई में कॉल सेंटर के 3 सरगना सहित 80 कर्मचारियों को पकड़ा गया है और 2 सरगना अभी भी लापता बताए जाते हैं, यानी वे फरार हैं। कुल मिलाकर इस चौंकाने वाले भंडाफोड़ में जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे यह पता चलता है कि किस तरह से 10 लाख अमेरिकी नागरिकों का डाटा चुरा लिया गया था और फिर उनका डाटा चुराने के बाद ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर इनसे ठगी होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल से चल रहे इस कॉल सेंटर में 2.5 लाख अमेरिकियों से करोड़ों रुपए का ठगी की जा चुकी थी। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि जब इस पूरे प्रकरण का भंडाफोड़ हुआ तो पुलिस भी यह देखकर दंग रह गई कि इतनी बड़ी तादाद में किस तरह से ठगी का कारोबार संचालित किया जा रहा था। और इसका केंद्र था C21 मॉल के पीछे स्थित प्लेटिनम पार्क प्लाजा, जो कि आर्थिक अपराधियों का गढ़ बना हुआ था। देर रात को यहाँ पर छापा मारा गया जिसमें 61 लड़के और 19 लड़कियां पकड़ी गई। ये सभी नागालैंड के दीमापुर और मेघालय के शीलम के बताए जा रहे हैं। छापे की कार्रवाई के बाद यह भी पता चला कि कॉल सेंटर की शुरुआत रात 9 बजे होती थी और बाहर से शटर लगा दिया जाता था। इसके बाद अमेरिकन्स को कॉल लगाकर ठगी का सिलसिला चालू हो जाता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे प्रकरण में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उनमें यह बताया है कि झांसे में आए लोगों को डराकर सेटलमेंट करने के नाम पर, अपने गिफ्ट कार्ड देकर उसे स्क्रैच करवाने के नाम पर हजारों डॉलर खाते में डलवा लिए जाते थे। कई बार फर्जी कंपनियां क्रिएट कर उनके ऑनलाइन खाते दर्शाकर उसमें डॉलर ट्रांसफर करवाए जाते थे। बिटकॉइन के माध्यम से भी ठगी होती थी और ये खातों को किराए पर भी ले लेते थे और उसमें से 40% कमीशन काटकर बाकी राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेते थे। आइए देखते हैं आप ये किस तरह से ठगी करते थे। पुलिस के अनुसार ये विभिन्न सॉफ्टवेयर से बल्क में 10,000 से अधिक लोगों को एक साथ वॉइस मैसेज भेजते थे और उसमें यह कहा जाता था कि आपका नाम ड्रग ट्रैफिकिंग में आ गया है, और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी नंबर का हवाला देकर डराया जाता था और डर कर कई लोग कॉल करते थे और सेटलमेंट का ऑफर देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो कॉल सेंटर पर जिन लोगों को नौकरी दे रखी थी, उन्हें भी यह बता रखा था कि किस तरह से अमेरिकियों को डराना है। जिन्हें नौकरी दी गई थी उनकी तनख्वाह थी 20,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच, और ये क्या करते थे, इन्होंने अमेरिकियों को डराने के लिए एक स्क्रिप्ट बना रखी थी जिसके माध्यम से ये उसी ढंग से बात करते थे और ऐसा लगता था कि यह वास्तव में फ़ोन अमेरिका से ही हो रहे हैं। कुल मिलाकर इनका जो तौर तरीका था उसके आधार पर इन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को टारगेट बनाया, और यह भी पता चला है कि इनका जो सरगना था वो 1 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिमाह कमा लेता था। SP जितेंद्र सिंह के अनुसार यह बताया जाता है कि कॉल सेंटर का संचालन अहमदाबाद के राहिल और जावेद भाविल द्वारा 1 साल पहले शुरू किया गया था और इसके बाद ये दोनों महाराष्ट्र गुवाहाटी नोएडा में पुलिस कार्रवाई के बाद बंद हुए कॉल सेंटर के कई लोगों को इंदौर में लेकर आए। इन्होंने एक 25 सीटर का और एक 50 सीटर का कॉल सेंटर खोला। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ठगी का कारोबार शुरू कर दिया। ठगी के कारोबार की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमेरिकियों को डराते थे और देर रात को इनके फोन वहां पर जाते थे। सबसे बड़ी बात यह भी बताया जाता है कि गिरोह का एक जो सरगना है, उसने ठगी के रुपयों से पब और रेस्टोरेंट भी खोला है। इंदौर के पब और रेस्टोरेंट इन दिनों बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं और उनमें काला धन लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर फिलहाल धोखाधड़ी और IT एक्ट में यह मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच पुलिस को यह भी पता चला है कि कुछ कॉल रिकॉर्डिंग उनके हाथ आई है जिसमें यह पता चला है कि ये अंग्रेजी यानी अमेरिकन इंग्लिश की टोन में बात करते थे ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि ये फोन अमेरिका से ही
आया है। एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जो कर्मचारी यहाँ काम करते थे उन्हें पता था कि यहाँ ठगी होती है और वे अपराध कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने नौकरी के लालच में यह काम जारी रखा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।